बताइए सर, जो उदयपुर वाला जो कन्हैया वाला मामला, बार बार भारतीय जनता पार्टी हमला बोल रही है, सरकार को आतंकियों को सहयोग देने जैसी बात कह रही है, जबकि जिस दिन ये घटना हुई उसके तुरंत कुछ घंटों बाद में आरोपी को पकड़ लिया गया था, और शायद पहले ऐसा मामला होगा जिसमें तत्काल आरोपी पकड़ा गया। देखिए उसमें कई राज है, घटना इतनी ऐसी घटना थी, दुखद घटना थी कि मैंने अपने प्रोग्राम कैंसिल करके गया, मैं जयपुर और उदयपुर गया, उनके घर पे गया, और ये जितने नेता हैं बीजेपी के इनको मालूम है घटना हो गई है, उसके बाद में ये लोग हैदराबाद गए, नेता प्रतिपक्ष थे कटारे उस वक्त में, उपनेता थे ये जो आज हैं नेता प्रतिपक्ष, सब लोग गए हैदराबाद गए लोग प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि अधिवेशन था वहाँ पर। और दूसरी बात है, दो तीन घंटे में पकड़े जाना मुलजिमों का, और उसी रात को NIA ने केस ले लिया इसको, तो हमने कोई एतराज नहीं किया। अब NIA क्या करे अभी तो किसी को मालूम नहीं है, मुझे लगता है लंबा खींच रहे जानबूझ कर, जिससे कि चुनाव आएंगे इश्यू बनाएंगे। NIA क्या कार्रवाई करी किसी को नहीं मालूम है, अगर हमारी पुलिस SOG करती हो सकता है कि केस अभी तक और आगे बढ़ जाता, चालान पेश होकर पता नहीं क्या होता, नंबर एक। नंबर तीसरी सीरियस बात है, ये जो पकड़े गए लोग हैं ये BJP के लोग हैं, मुख्य बात यह है। ये जब घटना के दो चार दिन पहले ये इनको पुलिस पकड़ के ले गई थी, कोई झगड़ा हो गया इनके या तो लैंडलॉर्ड से हुआ ऐसा कुछ हुआ, तो BJP नेताओं ने इनको छुड़ाया वहाँ पर थाने से, ये वो लोग हैं। उस वक्त ये बात जब पिक्चर में आई थी, सामने आई थी, तो ये डिफेंस में आ गए थे, ये बोल नहीं पाए थे, इसको इश्यू क्या बनाया। और इतनी ऐसी दुखद घटना थी, हमने जाके परिवार से मिले, चीफ सेक्रेटरी DG पुलिस मिले, उनको एक प्रकार से सांत्वना दी और उनको महसूस करवाया भाई सरकार और क्या कर सकती है, बाकी पैकेज दिया वो तो छोड़ी हो तो अलग बात है, मुख्य बात है कि अब ये जो चुनाव हार रहे हैं इनको हार सामने दिख रही है, विकास की बात नहीं कर रहे हैं लोग, हमारी स्कीमों की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे कानून पास किए उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमने 7 गारंटी दी उसकी आलोचना नहीं कर पा रहे हैं, और खाली ये जानबूझ करके ये तनाव पैदा करना चाहते हैं, ये इनकी चाल है। और इस बार जनता इनको जवाब देगी, क्योंकि हमने इतने काम किए हैं, मंदिरों में काम हम लोगों ने किए हैं, गाय माता की सेवा करते हम लोग कर रहे हैं, 500 करोड़ रुपये खाली इन लोगों ने गौशालाओं को, गायों का विभाग बनाया हमने बनाया, गौशालाओं की सेवा करते हमने 3,000 करोड़ रुपये खर्च किए, आगे हमने नंदीशालाओं के लिए स्कीम बनाई है 1,56,00,000 रुपये की पंचायतों के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए, गोधन योजना हम लेके आ रहे हैं जिससे कि गायें जो है गली में नहीं फिरे, तो इनके बारे कहने कुछ है ही नहीं। जैसे इन्होंने बजरंग बली की बात की थी कर्नाटक में और मुँह की खानी पड़ी मोदी जी को, वही बात तो यहाँ रहेगी, इसलिए बौखलाहट में बोल रहे हैं। माहौल खराब हो सकता है चुनाव, विधानसभा चुनाव को कुछ धंधे है इस प्रकार का, कि ये जो बयान जिस तरह के दे रहे हैं, ये तो पहले मोदी जी फिर अमित शाह जी का नागौर में बोलना, अब योगी जी महाराज पधार रहे हैं जोधपुर के अंदर सुना मैंने आज, तो आप सोच सकते हो कि अगर ये इस प्रकार के लोग भेज रहे हैं जिनका क्या एजेंडा सबको मालूम है, पर इस बार इनका हिंदुत्व का एजेंडा चलने वाला नहीं है, इस बार हमारा विकास का एजेंडा चलेगा। आम लोग और आम जनता राजस्थान की ये तय कर चुकी है कि जो गवर्नेंस का मॉडल हमने दिया है, राजस्थान अपना एक मॉडल बन गया देश के लिए, आज राजस्थान की चर्चा हमारे स्कीमों की चर्चा पूरे मुल्क में हो रही है, केंद्र सरकार दबाव में है, बार बार उनको 2 बार पैसा कम करना पड़ा LPG कनेक्शन के लिए, ये हमारे दबाव का परिणाम है, इनके पास कहने को कुछ है ही नहीं, हमारे पास कहने को बहुत कुछ है। गुड लक सर, ऑल द बेस्ट।